बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माहे रजब के पहले जुमा में मगरब या इशा की नमाज अदा करने के बाद 11 मरतबा सूरह मुजम्मल और 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी मोहब्बत से जरूर पढ़ लें। इंशाल्लाह ये वजीफा करने से अल्लाह की जात आपको इतनी खैर बरकत अता फरमा देंगे कि आपके घर में रिज्क और दौलत की कभी भी कमी नहीं आएगी। नाजरीन, ये वजीफा बेटी के अच्छे रिश्ते के लिए, शौहर की मोहब्बत के लिए, दुश्मन को जेर करने के लिए और घर, जान, औलाद, माल, इज्जत और शौहर की सलामती के लिए बेहद मुजर्रम माना जाता है। लिहाजा हर बहन को ये वजीफा माहे रजब के पहले जुमा में जरूर कर लेना चाहिए। नाजरीन, यही बरकात माहे रजब के नक्श नादियली की भी है। लिहाजा अल्लाह की बारगाह से बेहिसाब रिज्क और दौलत हासिल करने के लिए, रिश्ता की बंदिश का तोड़ करने के लिए, शोहर से अपनी हर बात मनवाने के लिए, दुश्मन से निजात के लिए, हर हाजत की तकमील के लिए और हर मुश्किल की आसानी के लिए आप नक्श नादियली शरीफ को आस्ताना से मंगवा कर सिर्फ अपने घर में पाक जगह पर रख दें। इंशाल्लाह इस नक्श की पूरी सरार बरकत आपको हैरान कर देंगी। नक्श नादियली शरीफ को मुश्क, अंबर, जाफरान और गुलाब से आप खुद भी तहरीर कर सकते हैं और आसाना से फ्री या हदिया खर्च 700 रुपए अदा करके भी हासिल कर सकते हैं। नक्श नादियली शरीफ आसाना से हासिल करने के लिए आप आमना बहन को कॉल कर लें। आमना बहन का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला की जात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में आपकी सभी नेक दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।